बनौली आंगनबाड़ी के सम 6-5 के लिए प्रीति कुमारी बनी आंगनबाड़ी सेविका। प्रखंड से आए महिला पर्यवेक्षक नीतू कुमारी ने दी प्रीति को सर्टिफिकेट। दरभंगा जिला के सहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत अवस्थित बनौली पंचायत के बनौली गांव में आज आंगनबाड़ी क्रमांक संख्या 65 के लिए सेविका के पद हेतु आम सभा का आयोजन किया गया। वही आंगनबाड़ी सेविका के पद हेतु 10 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। सिंहवाड़ा प्रखंड से चयन करने हेतु आए महिला पर्यवेक्षक नीतू कुमारी ने बताया कि प्रीति कुमारी पति धर्मेश कुमार को 81.7% होने के कारण प्रथम स्थान पर आई है। बबीता कुमारी पति विजय कुमार दूसरा एवं क्रमशः तीसरे नंबर पर पूनम कुमारी पति सुशील कुमार साह को पाया गया, जिनसे जरूरी डॉक्यूमेंट की छाया प्रति ले ली गई है, जिसको विभाग द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। वही आगे उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए जानकारी दी कि अगर किसी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटि पाया गया तो उस पर विभागीय आवश्यक कार्रवाई भी संभव है। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि प्रखंड से आई महिला प्रवेशक नीतू कुमारी एवं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली आंगनबाड़ी सेविका प्रीति कुमारी इस विजय में क्या जानकारी दी। इस आम सभा, ये आम सभा जो है सो दूसरी बार आयोजन यहाँ किया गया है, क्योंकि पहली बार जो है कोरम के अभाव में पूर्ण नहीं की जा सकी थी आम सभा की कार्रवाई, तो इसके लिए आज जो है सो ये रखी गई थी, मतलब आम सभा के लिए चयन के लिए। सेविका का यहाँ पद रिक्त है और यहाँ अति पिछड़ा का सीट है, बर्ग बाहुली जो है अति पिछड़ा का। किसको किसका चयन किया गया है? इसमें जो है सो प्रीति कुमारी का जो है सो सबसे नंबर वन पे आ रही है मेधा अंक में, इसीलिए इनके चयन की यहाँ हम प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। और इसमें पैनल बनाए जाने का है जो तीन आदमी का, जो तीन आवेदिका का, 10 आवेदिका मतलब यहाँ आवेदन की थी, तो यहाँ पर तो है कुछ आवेदिकाएँ जो अनुपस्थित हुई, जो उपस्थित आवेदिकाएँ हैं उनका, उनमें से हम पैनल के लिए तैयारी कर रहे हैं जो तीन आदमी का पैनल बन जाए, इसलिए कि जो अगर किसी कारणवश पहले नंबर की जो आवेदिका है अगर वेरिफिकेशन सत्यापन के दौरान या चयन प्रक्रिया में या जिस कारण से उनका कोई फर्जीवाड़ा यहाँ साबित होता है और चयन प्रक्रिया उनकी प्रभावित होती है, चयन रद्द किया जाता है, तो एक वर्ष के लिए पैनल बना रहेगा, तो सेकेंड पोजिशन पर जो आएंगी उनको फिर चयन पत्र दिया जा सकता है। अच्छा मैम, प्रीति कुमारी का कितना परसेंटेज है एवं चयन होने के बाद उनको आप अपने तरफ से क्या शुभकामना देना चाहते हैं? उनका परसेंटेज जो है सो 81.7% का है, तो सबसे ज्यादा इसमें है, तो यही हम उनको कहना चाहेंगे जो जिन जितना भी वो दिए हैं हमको प्रमाण पत्र यहाँ दिखलाए हैं मूल प्रमाण पत्र के साथ सत्यापन के दौरान, उनका कोई भी फर्जीवाड़ा न हो। अगर फर्जीवाड़ा अगर उनका पाया जाता है तो विभागीय जो यहाँ दंड का प्रावधान किया गया है वो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, वो उन्हें मान्य होगा और उनका चयन रद्द कर दिया जाएगा, तब सेकेंड पोजीशन पर जो हमारी आवेदिका रहेंगी उनके चयन को क्या नाम? उस पद के लिए चयनित कर दिया जाएगा। नाम नीतू कुमारी हुआ। क्या है आप? हम महिला पर्यवेक्षिका हैं सिंहवाड़ा प्रखंड। तो मैं इसका इनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे अपने अंक के हिसाब से चुना है और मैं अपनी तरफ से अपना पूरा योगदान दूंगी इस काम में, और मैं कमियाँ उनको पहले जानूंगी, उसके बाद उसके कुछ समाधान करने का कोशिश करूंगी, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी मदद से उसके उसको दूर करने का कोशिश करूंगी। क्या नाम है आपका? रितिक कुमार।